हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही अलग टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको गियर शिफ्टिंग दिखाऊंगा बिना क्लच दबाए। ये हुंडई वरना 2014 है, सिक्स ऑप्शनल। अगर आपका बाई चांस क्लच वर्क करना बंद कर जाए या कोई और दिक्कत हो जाए तो आपको कैसे गाड़ी लेके जानी है बिना क्लच दबाए। अभी देखिए, मैंने गाड़ी को एक क्रैम्प पे लगा लिया है जो आगे स्लांट है, ताकि गाड़ी थोड़ा सा मूव करे विदाउट फर्स्ट गियर। आप भी कर सकते हैं, जैसे आपका घर का रैंप वगैरह हो, वहाँ से आप गाड़ी निकाल के थोड़ी सी मूव हो जाए तो फर्स्ट गियर अपने आप डल जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे क्लच, मैंने अभी क्लच बिल्कुल नहीं दबाया और गाड़ी रैंप पे है और ये न्यूट्रल पे है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको फर्स्ट गियर में डालिए। मैंने कोई वीडियो नहीं देखी जहाँ पे अब तक कोई फर्स्ट गियर से विदाउट क्लच दिखाता हो। मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट गियर से आपको गाड़ी कैसे पिक करनी है विदाउट क्लच, और ये आपके लिए वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, प्लीज़ सपोर्ट। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने क्लच छोड़ दी और गाड़ी मूव करना शुरू कर दी है। गाड़ी भी न्यूट्रल में, अभी देखिए आप देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड। अब मैं फर्स्ट गियर डालने की ट्राई करूँगी। देखिए, अभी सेकेंड गियर ही डल गया सीधा विदाउट क्लच दबाए। देख सकते हैं, ये आपको अपनी गाड़ी को महसूस करके करना पड़ेगा। आपको जैसे आपकी रूटीन की ड्राइव है, आप कितनी की स्पीड पे गाड़ी फर्स्ट गियर पिक कर लेती है वगैरह वगैरह। देखिए, अभी आगे चढ़ाई आ गई, देखिए गाड़ी मूव कर रही है फर्स्ट गियर पे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वैसे सभी गाड़ियों में कैसे नॉर्मली कर सकते हैं। तकरीबन सभी गाड़ियों में आप 1500 RPM के आसपास गियर चेंज कर लें। बड़ी गाड़ियों वैसे ट्रक वगैरह, बसेस वगैरह में भी ड्राइवर विदाउट क्लच ही गियर चेंज कर लेते हैं 1500 RPM पे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी 1500 RPM पे और सेकंड गियर पे, और गाड़ी ने थर्ड गियर मांगना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा, आगे सड़क थोड़ी टूटी हुई है, ये सड़क पैच निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिये, मैंने निकाली अभी गाड़ी 1100 RPM पर है, मैं इसको 1500 RPM पे करूंगा और आपको गियर शिफ्ट करके दिखाऊंगा। अभी गाड़ी ऑलमोस्ट 1500 RPM पे होगी और मैंने क्लच नहीं दबाया और मैं आपको गियर शिफ्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, गियर शिफ्ट हो गया है। थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो धीरे धीरे फ्लो हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि गियर बॉक्स आपका गियर खराब हो जाएंगे। वो तभी खराब होंगे अगर आपका गियर एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं जब गियर डालते हैं। अगर बिल्कुल ही स्मूथली डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं अभी थर्ड गियर डल गया, मैं आपको फोर्थ गियर डाल के दिखाऊंगा। अभी आप कहेंगे कि गियर, ये तो गियर अप शिफ्ट ही हो रहा है, मैं आपको डाउन शिफ्ट भी करके दिखाऊंगा। आगे सड़क का पैच थोड़ा सा खराब है, अभी देखिए मैंने गाड़ी स्लो कर ली है। अभी आप गियर वैसे नॉर्मली जब गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाती है तभी गियर निकलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी गियर निकाल के दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने थोड़ा सा रेस देकर गाड़ी की रेस छोड़ देनी ताकि गाड़ी एकदम फ्री हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं गियर गाड़ी को छोड़ रहा हूँ रेस देके थोड़ी सी। ये देखिए, मैंने गाड़ी को छोड़ दिया पैर नीचे और ये देखिए गियर निकल गया है। अभी गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल पे चल रही है। जब भी नेक्स्ट शिफ्ट करना है तो रेस दबा के नहीं करना, रेस को छोड़कर करना है। 450 पे चल रही है, मैं आपको दिखाऊंगा पैर मेरा इधर है। अभी आपको डाउन शिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा गाड़ी को स्पीड देनी है, उसके बाद जब वो रेस छोड़ के फ्री हो जाएगी तो गियर को निकाल देना है। ये देखिए, मैंने गियर को निकाल दिया, अभी गाड़ी न्यूट्रल हो गई है। आपको दिखाऊंगा अभी मैं आपको सीधा सेकंड गियर में दिखाता हूँ कैसे जाएगी गाड़ी। ब्रेक दबा के मैंने गाड़ी को स्लो किया है। अभी ये सेकंड गियर में ऑलमोस्ट 20 के आसपास चले जाती है गाड़ी सेकंड गियर में। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये गाड़ी 20 पे आने वाली है। अभी ये आ गई है 20 पे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी। ये देखिए, अभी सेकंड गियर में डल गई अपने आप विदाउट क्लच। अभी अब शिफ्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको 1500 RPM और थर्ड गियर। गाड़ी फर्स्ट गियर पे, मैंने फर्स्ट गियर पे गाड़ी को तोड़ लिया है। सेकंड गियर डाल लिया मैंने विदाउट क्लच दबाए। थर्ड गियर ट्राई करते हैं। थर्ड गियर डाल दिया मैंने, फोर्थ गियर डल गया है विदाउट क्लच दबाए। फिफ्थ गियर के लिए ट्राई करेंगे अभी। फिफ्थ गियर डल गया विदाउट क्लच, इस सिक्स गियर डालेंगे और सिक्स गियर भी डल गया है। देखिए, अब मैं फिर से रैंप पे आ गया, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ फर्स्ट गियर को ट्राई करके। मैंने गाड़ी की सिर्फ ब्रेक छोड़ी है, गाड़ी चलने लग गई है और मैं फर्स्ट गियर ट्राई करूँगा। देखिए, फर्स्ट गियर डल गया, बहुत ही स्मूथली फर्स्ट गियर डला है। सेकेंड गियर आपको डाल के दिखाता हूँ। इसका सेकेंड गियर लगभग जब आपकी गाड़ी 20 प्लस होगी
तो सेकंड गियर डल जाता है बहुत ही स्मूथली। चलिए आपको दिखाता हूँ, 20 तक नहीं पहुंचे। अब सेकंड गियर जब भी डालेंगे तो सबकी गियर की रेशियोज अलग अलग होती है, वरना कि थोड़ा सा सेकंड गियर फर्स्ट गियर में ज़्यादा आरपीएम देना पड़ता है गाड़ी को, तो सेकंड गियर इस स्मूथली डलता है। देखिए अभी गाड़ी की स्पीड ऑलमोस्ट 21 हो गई है, देखिए डल गया है विदाउट क्लच। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, पर ये रियल है बिल्कुल, कोई इसमें मैं क्लच यूज नहीं कर रहा हूँ। ये मैं थर्ड गियर ट्राई करूंगा, बाकी सारे गियर 1500 आरपीएम के आसपास डल जाते हैं। देखिए बहुत ही स्मूथली डल गया, ये भी फोर्थ गियर ट्राई करेंगे। देखिए फोर्थ गियर ही बहुत ही स्मूथली डला है। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल टू सी मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।